जय हिंद दोस्तों, कसिया सीरीज के न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आज चलेंगे किसी मास्को के सुपरमार्केट पे और उसे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ के जो डेली यूज़ के जो आइटम होते हैं उनके प्राइस क्या है, और अपने इंडिया के प्राइस से कंपेयर करेंगे। मगर वहाँ जाने से पहले बहुत तेज़ भूख लगी है, चलते हैं कुछ खाते हैं। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, मगर भाई रोज़ रोज़ तो कोई नहीं खा सकता है वहाँ पे, क्योंकि 600, 700, 800 बिल उनका भी मिनिमम आता ही आता है। तो भाई रोज़ रोज़ इतना कैसे कर लोगे, कैसे खा सकते हैं? तो भाई बर्गर और शोरमा ये सब खा खा के काम चला लेते हैं। बीच बीच में जो बहुत मन करता है खाने का कुछ स्पाइसी वगैरह, तो चले जाते हैं वहाँ खाने के लिए। और आते हैं भाई इधर। प्रिवियत शोरमा चिकन, हाँ यस, ये भाई टर्किश स्टाइल पे बनाते हैं, और मैंने एक बार ट्राई किया था कल, तो बहुत टेस्टी था। पहले तो मैं डर रहा था कि यार कैसा होगा क्या है, मगर सही था, पेट भर जाता है। ये 170 रुपये का है और अच्छा खासा है यार। एक बार आप खा लोगे ना, यदि आप नॉन वेज खाते हो तो। यार वेजिटेरियन तो यहाँ कुछ नहीं है, बीफ वगैरह है। चिकन में कल एक ऑप्शन है जो वो बन में लगा के देता है और रोल भी बना के देगा, वो है शोरमा। तो यार वो मैं एक ले लेता हूँ, पैक करके इसको रख लूँगा मैं अभी, और जब एक्सप्लोर कर लेंगे यार स्टोर वगैरह और कहीं और चलेंगे तो बैठ के वहाँ पे खाएंगे। तो भाई बना रहा है और देखते हैं। ये है शोरमा, बोल दिया भाई स्पाइसी बनाने के लिए। तो कभी ये, कभी बर्गर, कभी कुछ काम चल रहा है भाई ऐसे ही खा के। मॉर्निंग में तो यार कुछ रात में जैसे पैक करवाते हैं तो वो थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसको फ्रीज में रख देते हैं हॉस्टल पे, मॉर्निंग में गर्मा के खा लेते हैं। और टी कॉफ़ी वगैरह नहीं हो पा रहा क्योंकि सब कुछ ब्लैक है और शुगर डालो मज़ा नहीं आता यार। वो चीज़ है, वो मेरे को एक लाना था जिसमें शुगर मिल्क सब कुछ मिक्स होता है, कल उसको हॉट वाटर में डालो और कॉफ़ी चाय बन जाती है, वो मिस हो गया मेरे से। अभी स्टोर पे जाता हूँ तो वो चीज़ मुझे कोई दिखता नहीं है, और उनसे पूछता हूँ वो भी नहीं बता पाते कि मैं क्या मांग रहा हूँ। वो तो ये तो पकड़ा देंगे मेरे को, टी वगैरह इस तरह की चीज़ पकड़ा देंगे। तो भाई टी कॉफ़ी तो नहीं हो पा रही है, वो मार्केट में बाहर जब घूमता रहता हूँ तो वहाँ पर ले लेता हूँ, हॉस्टल में पॉसिबल नहीं है। टेक अवे भाई, वो टेक अवे करवा लिया है, रख लिया है, और अभी तो नहीं खा रहा हूँ मैं, कहीं नान से बैठूँगा तो खाएंगे। अभी चल रहे हैं सुपरमार्केट और चलकर वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आ गए भाई सुपरमार्केट के अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ पे प्राइस वगैरह क्या है। नॉर्मल देखो यार, पानी की बोतल है ये 23 रुपये की है, और ये एक लीटर है कि कितनी है, मैं एक लीटर है पानी की बोतल 23 रुबल की, ये प्राइस दे रखा है 35 रुबल की है। ये वाटर बोतल 119 है, ये कोई सोडा टाइप की होती है, और 199 ये लिखा है सोडा, कुछ सोडा पानी करके है भाई ये, इसलिए जो ज़्यादा कॉस्टली है वो कुछ सोडा पानी करके है, जो नॉर्मल रेट है वो नॉर्मल वाटर है। और मिनिमम वाटर बोतल मैं बता दूँ आपको 49 रुपये का, देखो भाई 49 रुपये का है मिनिमम प्राइस। ये देखो 45 का, ये अभी तक तो मुझको ये दिखा है 45 की बोतल है ये। थोड़ा सा वाटर यार थोड़ा सा कॉस्टली लगा है मेरे को, बाकी सब ठीक लग रहा है। वाटर मेरे को अभी तक कॉस्टली लग रहा है, वाटर का रेंज तो वो छोटी बोतल है भाई 28 का है, और मिनिमम 26 की कोई बोतल थी यहाँ पर नहीं है, मतलब ये प्राइस है, मतलब मिनिमम प्राइस मान लो 39 मान लो। ये देखो एक और दिख गई, ये 39 की है, ठीक है। बस कभी कभी ये चक्का पड़ जाता है ना सोडा वाटर का, कुछ सोडा वाटर करके कुछ सीन है वो है। अभी तक तो मैंने वाटर बोतल मार्केट से नहीं ली है, एक्चुअली क्या था कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं बैठा हुआ था लॉन्ज में ना, तो एक्चुअली फ्री थी वाटर बोतल, तो मैंने कम से कम 4-5 बोतल रख ली थी
पूछ के रखी थी मैंने। दो बोतल तो वाकई मैंने सर्विस पे ली थी, मतलब यूज कर रहा था मैं, वो एक ओपन थी एक ओपन नहीं थी, दो बोतल एक्स्ट्रा मैंने रख ली उसको कि फ़्लाइट वगैरह में ये हुए, और जो कि काम भी आई, इमिग्रेशन में जब मैं फंस गया 5-6 घंटे वही वाटर बोतल मुझे काम आ रही थी, उसकी 2-3 बोतल मेरी चली भी आराम से। तो मैंने वाटर बोटल अभी ली नहीं है, अब मैं वाटर बोटल लूँगा। तो भाई वाटर थोड़ा सा महंगा है, बाकी सब तो ठीक है, बजट में है। और इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये कोका कोला और इसका रैपर देखो चेंज है, और ये कोका कोला है 49 की हाफ लीटर, 49 रूबल की, जो मैं बता रहा हूँ रूबल रूबल है। पेप्सी 49 रूबल की, इस रेड भी है, थोड़ा सा बोतल के शेप अलग है यहाँ के, बाकी कलर तो सेम है। स्प्राइट ये 75 रूबल के हैं, और इधर बियर वगैरह लगे हैं, इधर भी बियर्स हैं, इधर भी बियर्स हैं, और इनके रेट इधर लिखे होंगे। ये भाई देखो 71 रूबल एंड 69, और ये कोई बियर है जो 3+1 मतलब 4 का सेट है, 199 पे है, काफ़ी सस्ती है बियर, बियर वाइन काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। और कुछ अपना ब्रांड बताते हैं कुछ मैच करता हुआ, आगे चलते हैं। ये सारे बियर लगे हुए हैं भाई, 71 की हैंकन, ये बोतल 71 रूबल की है, और इधर आते हैं ये लगी हुई है टूबर्ग भाई, हाँ टूबर्ग भाई 71 रूबल का, हमारे यहाँ से भी सस्ती है। ऊपर ये प्रीमियम 71 करके वही बियर काफ़ी सस्ती है, और इधर भी कार्लसबर्ग 109 थोड़ा सा ठीक है तब भी सस्ती है यूरोप के हिसाब से, रशिया में कार्लसबर्ग, ये सारी इधर बियर लगी हुई है। बियर से हटते हैं, एग है, एग का ये सेट 99 रूबल का, सही प्राइस है भाई, एग 99 में 2 आई थिंक 10 होंगे इसके अंदर, हाँ 10 का सेट है ये। उधर ब्रेड है, और ये वाइट ब्रेड है, वाइट ब्रेड 99 का पैकेट है ये 99 का। यार कुछ चीज़ें डिटेल्स में दिखा रहा हूँ जो आदमी हॉस्टल में और खाने वाने के लिए है, 99 का ये ब्रेड का पैकेट है, और नीचे ये है एक ब्रेड पैकेट 49, यार सस्ता है काफ़ी, ठीक है। और ये है 58 रूबल सही है प्राइस। और ये भाई कुछ बंद करके, और इसका प्राइस है 34 रूबल का था वो, तो यार 35 रूबल्स में आपको ब्रेड बन ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से, आप इसको अपने पास कैरी कर सकते हो, रख सकते हो हॉस्टल में। और इधर कॉफ़ी वॉफ़ी है जो आप ले सकते हो, निकाल सकते हो, पेमेंट यहीं कर दो कार्ड से। इधर देखो लगे हुए हैं तो 44 का कुछ करके है, ये एक सेकेंड दिखाते हैं, ये भाई 44 का सिंगल ईच, इसको लेकर आप इनसे गर्म करवा सकते हो माइक्रोवेव में, और यहीं खा सकते हो, काफ़ी आइटम तो फिनिश हो गया है। ये एप्पल 69 kg, 69 रुपीज़ की, यार बहुत सस्ता यार हमारे यहीं है, 150-250 रुपये किलो, और 69 वाली रेंज ये चल रही है, ये 69 वाली रेंज है, ये पूरा पैकेट है आई थिंक, पता नहीं शायद 1 किलो से ऊपर है क्या रेट, इसका रेट नहीं लिखा है। ये एप्पल है, ये 150 रूबल का केजी, 159 केजी, और ये सब एप्पल लगे हुए हैं, चीकू वगैरह, ऊपर वो पपाया लगा हुआ है 109, ये कैसा पपाया है भाई, पपाया नहीं है कुछ और है, ये नहीं आइडिया क्या चीज़ है।
और भाई ये क्या चीज़ है, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, पता है ये क्या है, ये बनाना। भाई बनाना के प्राइस किधर लिखे हुए हैं, प्राइस नहीं लिखा है, है कहीं पे। और ये कोकोनट है 159 kg, की आ रही केजी है, 159 kg, केजी में ज़्यादा ज़्यादा दो चढ़ेंगे। और ये छोटे छोटे ऑरेंज भाई, और कितने के हैं ये, प्राइस नहीं लिखा हुआ है। ये ग्रेप्स भाई देखो, ये ग्रेप्स 83 kg, 199, 249, क्वालिटी का फ़र्क है। ये भाई अदरक 39, शायद में भी 100 grams, और ऑनियन, ऑनियन प्राइस क्या है, आई थिंक 57। लहसुन प्राइस नहीं लिखा हुआ है। ये है पोटैटो, ये सारा वेजिटेबल सेक्शन है। ये भाई शिमला मिर्च 119, ये भी है कैप्सिकम है, थोड़ा सा साइज में उससे बड़ा है, कलर चेंज है, 129। ये भी है, ये रेड चिली बहुत बड़ी है भाई, ये 179। टोमेटो 179 kg, ये टोमेटो है 179 kg दे रहा है। ये कुकुम्बर का पैकेट है, ये पूरा कुकुम्बर का पैकेट है। और ये है भाई, ये प्राइस, इसका प्राइस नहीं है, इधर लगे हुए हैं गाजर, टमाटर, सेम वही सब चीज़ें, ऑनियन, अलग वाइट अनियन है, उधर रेड अनियन थी, और ये सब पैकेट में पैक कर दिए, टमाटो वगैरह। और इधर इंस्टेंट आइटम है, रेडी टू ईट वाले हैं, देख लो आप ये सारे, कुछ स्वीट टाइप की डिश लग रही है, कुछ ऐसा है, सेट कर रहा है उसको, एक फ्रेश आइटम आया हुआ है। प्राइस कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, प्राइस सही लगी है मेरे को, कोई ऐसा आइटम मुझको नहीं लगा जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो। और हमारे यहाँ उल्टा ज़्यादा है प्राइस, यहाँ सही है, वहाँ प्राइस हर थोड़ा सा ज़्यादा है यार। अंडे उंडे 99 में 10 का 20 मिल जा रहा है, सही है यार, वो भी बाहर रशिया सिटी के अंदर। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इससे एक आइडिया लगा सकते हो आपकी, आप यदि कुछ किचन उचन आपको मिला है हॉस्टल में और आप प्रिपेयर कर सकते हो वहाँ पे, तो यहाँ से अंडे ले लो, ब्रेड ले लो। और ये देखो ऑयल है, 1 लीटर का ऑयल है, और ये है 174 भाई, 174 रुपीज़ का बोतल है, 103 का भी बोतल है, मान लो ये वाली बोतल 174 का है, ये 103, मतलब 103 रूबल्स में आपको 1 लीटर की बोतल मिल जाती है यार, बहुत सही है। हमारे यहाँ भी ये प्राइस नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। और ये भी ऑयल है, ये कौन सा ऑयल है, जो भी ऑयल है ऑयल है, और 129 का है, ऊपर भी कुछ ऑयल टाइप की चीज़ें, वेनेगर है या ऑयल है रखे हुए हैं। और सही है, बेस्ट है ये सब, देखो आइटम भाई, कुकीज़ वगैरह, ये है 51 का पैकेट से, ये 41 का पैकेट से, देख रहे हो, ट्राई कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा, ये देखो भाई पूरा पैकेट क्या है, ये पूरा पैकेट 130, मतलब 113। नीचे टोस्ट वगैरह है, रस वगैरह है, नीचे लगे हुए हैं, ये देखो भाई। और ये प्राइस इसका नीचे 71 रुपीज़, ये 71 का है। तो कुकीज़ वगैरह है, कुकीज़, ये भाई बिस्किट चीज़ है, और 90 रुपीज़ है। ये देखो इधर लगे हुए हैं सारा, ये सब कुकीज़ वगैरह का, कुकीज़, टोस्ट, ये सारा कुछ सिस्टम है, सब ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो। ये देखो बिस्किट का पैकेट भाई, बिस्किट नहीं है ये, वही टोस्ट रस जो भी बोलो आप, वो चीज़ है इधर, और मस्त है। तो भाई इधर सॉसेज रखे हुए हैं, देखो ये सॉसेज हैं सारे, मैं एक खोल के दिखाता हूँ, ओपन करके, सब सॉसेज वगैरह हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो समझ सकते हैं, ये सब सॉसेज हैं, सब ले जाकर घर पे या होटल्स, हॉस्टल पे
आप बना सकते हो। सही है, तो ये भाई अपना स्टोर करा, कॉफ़ी वूफ़ी वगैरह आप यहीं से ले सकते हो, यहीं प्रिपेयर कर सकते हो, यहीं पे पी भी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भी आप यहीं ले सकते हो। कुछ चीज़ें आपका खाना, जैसे मैंने सब दिखाया इस तरह के आइटम है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है इधर, तो इस सबसे वो ख़त्म भी हो गया बहुत जल्दी, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, यहीं से लेके यहीं पे आप, ये सामने ये देखो ओवन है, ये सामने है, आप इनको बोल दो वो गर्म कर देंगे, आपको दे देंगे, आप उसको यूज कर सकते हो। तो भाई अपना यहाँ से ये स्टोर वाला सिस्टम ख़त्म हुआ है। प्राइस मैंने बता दी कि हमारे यहाँ से कंपेयर करते हैं तो प्राइस बहुत सस्ता है, कुछ चीज़ें छोड़ के, वाटर टोटल वगैरह छोड़ के, बाकी सब कुछ ठीक है। बिलिंग का बताता हूँ, यदि आप यहाँ से कोई भी चीज़ बाई कर लेते हो तो बिलिंग सेल्फ बिलिंग है, आप आते हो आराम से और जस्ट लाइक ये क्योंकि बिलिंग हो रहा है वहाँ पे, आप बिलिंग करा सकते हो, कार्ड से पेमेंट आप वहाँ पे कर दो, सेल्फ बिलिंग है, ये बिलिंग है, ये यहाँ पे आप रखते हो, वो स्कैन हो जाता है यहाँ से बार कोड से, कार्ड लगा दो आप अपने पास जो भी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, यूज करके आप बिलिंग कर लो। और सबसे खास बात क्या है मैं बताता हूँ आपको कि भाई जब आप यहाँ से बिलिंग जब आप कर ले तो यहाँ से ना, तो कोई आपको चेक नहीं करता है भाई, कोई नहीं खोल के देखता है कि भाई आपने क्या आइटम लिया है, क्या आइटम नहीं लिया है। तो ये बड़ी ख़ास बात है, मतलब कोई आदमी कुछ भी, वैसे कोई करता नहीं है ऐसा, कोई ऐसा करता नहीं है, और यदि करना चाहे तो भाई बैग के अंदर कोई रख लेगा ना, तो जब आप वहाँ से निकलोगे कोई नहीं चेक करेगा, ना आपका बिल देखेगा, ना क्या आइटम आपने रखा है, कुछ नहीं है। ये बड़ी ख़ास बात है, यही चीज़ बसों के अंदर भी है, यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट बस है उसमें यदि आप चढ़ जाते हो, ना कोई कंडक्टर है ना कोई है, तो आप वहाँ पे टोकन लो, मतलब आप टोकन लो या ना लो, पैसे दो ना दो, कोई आपसे कुछ बोलने वाला नहीं है।